टीवी में हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आपको बता दूं कि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कब अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और सारी अब इंतजार की घड़ियां दूर हो चुकी हैं और सोमवार को डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिसको मंगूभाई पटेल राज्यपाल ने सभी को गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि गुना जिले से भी लोगों को आशा थी कि इस मंत्रिमंडल में शायद उनके प्रतिनिधियों को जगह मिलेगी, लेकिन इस बार निराश हाथ लगी है। आपको बता दें कि करीब 10 नए चेहरे को जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, वहीं बुंदेलखंड मालवा का भी यहां पर दबदबा दिखाई दिया है। गुना क्षेत्र से लोगों ने की आशा थी कि विधायक पन्ना लाल इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। तो वही युवा नेत्री भाजपा की प्रियंका पैची ने पहली बार में ही ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर चाचौड़ा को भाजपा की एक सीट दिलाई थी। इसी आशा को लेकर चाचौड़ा विधानसभा के मतदाताओं एवं लोगों में एक आशा थी कि इस बार प्रियंका पैची को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन निराश हाथ लगी। लेकिन फिलहाल अब आगे अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो शायद गुना जिले को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ऐसा लोगों को आशा है। कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिसमें आपको बता दें कि नए चेहरे को जगह दी गई है। ग्वालियर, चंबर, महाकौशल, बुंदेलखंड के चार चार मंत्रियों को शामिल किया गया है। विंध्याचल से भी चार मंत्रियों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। उन्होंने सभी को संतुलन करते हुए साधने की कोशिश इस पूरे मंत्रिमंडल में की है। आपको बता दें कि सुबह से यहां पर मंत्रियों का आना जाना बना हुआ था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी पहुंचे यहां पर। डॉक्टर मोहन यादव ने उनका भव्य स्वागत किया, साथ ही उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत भी पहुंचे थे, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के साथ पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार के समय राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में ये बने मंत्री, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर, तुलसी सिलावट एंडल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर, विजय शाह राकेश सिंह जबलपुर, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक, करण सिंह वर्मा इछावर, संपतिया उइके मंडला, राव उदय प्रताप सिंह गादरवारा, निर्मला भूरिया पेटलावत झाबुआ, विश्वास सारंग नरेला भोपाल, गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी सागर, इंद्र सिंह परमार, नागर सिंह चौहान अली राजपूत, चैतन्य कश्यप रतलाम, राकेश शुक्ला मेहगांव भिंड। वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर गोविंदपुरा भोपाल, धर्मेंद्र लोधी जबेरा दमोह, दिलीप जायसवाल गौतम टैटवाल, लखन पटेल दमोह, नारायण पवार ये बने राज्य मंत्री। राधा सिंह चित्रंगी सीधी, प्रतिमा बागरी रेगांव सतना, दिलीप अहिरवार चंदला छतरपुर। 28 नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।